हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। देखिए, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल और आपका रेलवे ग्रुप डी और लेखपाल, जो भी आपका एग्ज़ाम आने वाला है, मैं सभी एग्ज़ामों के बारे में बात करने वाला हूँ। उनमें जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बनते हैं, देखिए हर एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैथमेटिक्स के बारे में आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। आपको इतना तो होना चाहिए कि आप सवाल काट सकें। तो सुपर लाइव टेस्ट मैथ का मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। टॉप 20 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। रीजनिंग के मैं टॉप 20 क्वेश्चन करा चुका हूँ, अब मैथमेटिक्स के टॉप 20 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। और टॉप 20 क्वेश्चन ही आपके जनरल नॉलेज के आने वाले हैं, तो बने रहिए आप चैनल पे, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी इंप्रूव हो जाएगी इससे। तो चलिए दोस्तों, उससे पहले बताना चाहूँगा, मैं टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर नए नए आपकी सीरीज आती रहती हैं और आपको जीके के क्वेश्चन उस पर मिलते रहते हैं। तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना। चलिए दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा। रमेश ने एक परीक्षा में 20% अंक स्कोर किया और 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखिए बहुत ही सिंपल करना है। रमेश जो था, उसने क्या हुआ, 20%, यहाँ पे आर लिख देंगे हम, उसने 20% अंक स्कोर किया और वो 45 अंकों से फेल हो गया। ये डेफिनेटली आपको ऐसे ही बनाना है, वो 45 अंकों से फेल हो गया। अब बात करते हैं, अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यदि वह 40% अंक प्राप्त करता, यदि वह 20% प्राप्त ना करके 40% अंक प्राप्त करता, तो वह 15 अंक अधिक लेकर आता। डेफिनेटली ये सवाल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई एग्जामों में पूछा गया है। मैं सिंपल वे में बताऊंगा आपको, ऐसे सवाल में क्या करते हैं, देखिए प्लस और माइनस है, इनको दोनों को जोड़ लेते हैं, ये हो गया 60। अब पूछते हैं टोटल अंक। टोटल अंक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, टोटल ये हो गया और इसका अंतर कितना है 20, इसका अंतर लेते हैं। जब इसको हम 20 से भाग देंगे तो 1% का मान आएगा, और 100 से गुना कर देंगे तो 100% का मान आ जाएगा। 20 या 60, यानी टोटल अंक जो हैं, पूर्णांक आपके 300 हैं, यानी एग्ज़ाम जो आपका पेपर है वो 300 अंकों का है। अब पूछा गया है इसमें, क्या पूछा गया है कि परीक्षा में के लिए उत्तीर्ण अंक कितने हैं। उत्तीर्ण अंक की बात करता है, तो मान लिया आपने 300 का, मैं यहाँ से यहाँ कर रहा हूँ, 300 का 20% आपने अर्जित किया, तो कितना किया होगा आपने, 60 किया होगा। अब 60 में आप 45 अंकों से फेल हो जाते हैं, तो पासिंग मार्क कितने थे आपके, 105, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 105, 105 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस तरीके से समझा क्यों रहा हूँ, क्योंकि कई बार हो सकता है आपसे पूर्णांक पूछ लिया जाए, वरना इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन पूर्णांक आपको पता होंगे तो आप परसेंटेज भी काट पाएंगे, क्योंकि एक ही सवाल तीन तरीके से पूछा जा सकता है। इसमें आपसे परसेंटेज पूछ सकता है, आपसे पूर्णांक पूछ सकता है, और आपसे पासिंग अंक जो है वो पूछ सकता है। ये तीन तरीके से सवाल मैं आपको बता रहा हूँ एक ही सवाल को, तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलते हैं बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल है हमारा, एक घड़ी का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 2 गुना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में आपको डिफरेंट करना आना चाहिए। देखिए क्रय मूल्य आपका होगा कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस हो गया आपका विक्रय मूल्य। अब इसमें कहा है कि ये जो है घड़ी का अंकित मूल्य जो है 1 और ये 2 है, इससे 2 गुना है क्रय मूल्य का। यदि इसे बेचने से 10% लाभ होता है, अगर मैं इसको मानूँ, 10% का मतलब है मैं इसको 10 मान लूँ और इसको 11 मान लूँ, इतने का लाभ हो गया। अब ये चीज़ आगे निकल के, अब अगर छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए हम कभी भी इस सवाल को इस तरीके से नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, सीपी को बराबर करेंगे। तो सीपी को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 10 की गुना करेंगे, इसमें हमने 10 की गुना कर दी, तो यहाँ भी 10 की गुना हो जाएगी। अब ये देखिए हमारा सीपी इक्वल हो गया है। अब यहाँ पे देखना है एसपी में जो अंतर आया है, देखिए इसमें कितने का अंतर आया है, 9 का। पूछा गया है कि छूट परसेंट बताइए, तो 9 रुपये की छूट हो गई, कितने पर, 20 रुपये पर, इंटू 100। अब 20 × 100 हो जाएगा और 9 × 45, तो आपका सही आंसर कितना आ गया, 45 आंसर, बिल्कुल राइट था, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ज़्यादा एफर्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बस एक वे में अपना माइंड को सेट करना है, जिससे आप बहुत जल्दी सवाल निकाल पाओ। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज की दर 10.5% वार्षिक और चक्रवर्ती ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, तो 2000 रुपये की धनराशि पर 3 वर्ष बाद चक्रवर्ती ब्याज एवं साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। देखिए डेफिनेटली इसमें एक फॉर्मूला भी लगता है, लेकिन हम इसे डायरेक्ट करेंगे। देखिए 10% की वैल्यू का मतलब क्या है, अब आपका ये है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या है आपका, 10.5% है,
परसेंट है, इसको 3 साल से हम गुना कर देंगे तो 3 साल बाद ये कितना आ जाएगा, कितना आएगा ये 31.5 आपका आ गया। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है यानी आपको अगर 10.5% की वैल्यू करनी है तो ये डायरेक्टली आपका 33.1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखने से हमें क्या लग रहा है कि ये इसमें कितने का अंतर आया है आपका, कितना जो हुआ है ये, तो आपको बता दें 1.6 आपका हो जाएगा ये। ये चीज़ आपकी समझ में ना आई हो तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा, क्योंकि आने वाली वीडियो मेरी इसी टॉपिक पे रहेगी। तो अगर आपको ये करना है तो ये आपको करना ही पड़ेगा आपको। अब मैं मान लेता हूँ आपका 2000 रुपये पर आपका 1.16 ये इक्वल कर ली है मैंने, और आपको 10 लगा देता हूँ उसका पॉइंट हटाने के लिए, 3 जीरो से 3 जीरो ख़त्म, 16 दूनी 32, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा आंसर आपका क्या हो जाएगा, 32 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये वाले, क्योंकि ये वाले आप इक्वल भी कर सकते हैं, 10.5 आप कर सकते हैं, ये कई तरीके से सवाल हो सकता है दोस्तों, लेकिन आपको जो सुटेबल हो उसी में आप कैपेबल होना चाहिए आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चीनी की कीमत में 60% की वृद्धि होती है तो वास्तविक मूल्य को पुनः लाने के क्रम में नई कीमत में कितनी गिरावट की जाएगी, यानी कि नया कीमत मिलाना है। अब चीनी के मूल्य में 60%, 60% का मतलब कितना है, 60% का मतलब है इतना, तो 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10, यानी चीनी की कीमत में 60% की वृद्धि हो गई। यानी पहले कितनी थी चीनी की कीमत, 5 रुपये थी, अब कितनी होगी, 3 की वृद्धि हो गई, 8 हो गई। अब पूछा है पुनः उस वापस लाने के लिए, तो इसमें कितना, 3 की वृद्धि हुई थी, पुनः वापस लाने के लिए बटे 8 करना पड़ेगा, गुना 100 करना पड़ेगा, तो 4 × 8 और 4 से कितना हो गया 25, और 25 × 75, यानी 75/2 आपका कितना आंसर आ गया, 37 से 1/2% आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है, इस मैथ को क्रिटिकल मत बनाओ, बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से आप निकाल पाओगे, बिल्कुल बहुत छोटा छोटा मैं कर रहा हूँ सवाल को, ताकि आपको बिल्कुल सही समझ में आ जाए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी इसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों इस कार्य को एक साथ पूरा करते हैं और 150 रुपये प्राप्त करते हैं, ए का हिस्सा बताना है आपको। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो इंग्लिश मीडियम में कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको, और हिंदी मीडियम वाले को तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बात करते हैं ए किसी कार्य को 3 दिन में, इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं हम, ए किसी कार्य को यहाँ पे 3 दिन में कर रहा है और बी उसी कार्य को 2 दिन में कर रहा है। देखिए बी की भी काट लेते हैं, बी 2 दिन में कर रहा है। अब मैं इनका जो एलसीएम लेता हूँ वो 6 आ गया। अब 3 × 6 ये 2 आ गया और 2 × 6 2 × 3 आ गई, एफिशिएंसी आ गई। अब पूछा है इन दोनों कार्य को एक साथ पूरा करते हैं, अब दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो 3 और 2 ये 5 कार्य करेंगे, ए और बी दोनों मिलके 5 कार्य करेंगे और ये कितने करते हैं, 150 रुपये कमाते हैं, या 2 रुपये 3 रुपये आप मान सकते हैं, मैं इससे करूँगा तो 5 × 15, तो मुझे पता चल गया कि एक दिन का इनका कार्य ये आ गया। अब बात एक ही करिए तो ए में इसकी गुना, ए में आप इसकी गुना कर दीजिएगा तो 30 × 60 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए दोस्तों। सिंपल है, अगर आप सवालों को करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल लगाइए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए और उसके बाद उसे चालू करिए और अपना देखिए कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी दोस्तों आपकी। चलो बच्चों आगे चलते हैं, देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है आगे। देखिए एक पुस्तकालय में बुधवार को औसतन 450 अंगितुक होता है और अन्य दिनों में 300 अंगितुक होता है, बुधवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन अंगीकृत की औसत संख्या बताना। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है ये, देखिए कह रहा है बुधवार से शुरू होने वाले, अब मैं मानता हूँ कोई भी अगर दिन अगर बुधवार या मंगलवार या सोमवार पहली तारीख से स्टार्ट होता है तो वो 5 बार आता है, तो वेनसडे की मैं बात करता हूँ तो वेनसडे तो 5 बार आ गया, आगे जो रिमेनिंग डेज हो गए वो कितने बार आ गए, 25 बार आ गए। मैं इनका अनुपात निकाल लेता हूँ, 5 × 5 = 5 × 5 = 25, इस तरीके से। अब ये वैल्यू आपकी बताई गई है 450 और ये वैल्यू बताई गई है 300, ये वाली वैल्यू बताई गई 30 दिनों में। अब इसमें मैं सबसे कम वाला लूँगा, ये इससे कितना ज़्यादा है, ये इससे कितना ज़्यादा है, ये 150 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 150, तो ये इसका 150 ज़्यादा है। अब 150 ज़्यादा है बटे कितने पर, दोनों में 6 पर ज़्यादा है। अब यहाँ पे 300 ऑलरेडी है ही जो हमने लिया है, प्लस ये हो जाएगा, तो इससे अगर इसको भाग करेंगे 6 × 12 हो जाएगा, कितना हो गया, और 56 = 30,
तो लगभग 25 आ जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 325 इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना दोस्तों, बिल्कुल सिंपल वे में आप इसको समझ पाएंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल है, दूध तथा पानी के 80 लीटर मिश्रण में 10% दूध है। मिश्रण में पानी के प्रतिशत को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाना पड़ेगा, यानी और कितना दूध आपको इसमें मिलाना पड़ेगा। ये देखिए सवाल में आपको बता दें, दूध तथा पानी के 80 लीटर मिश्रण है हमारे पास। हमारे पास कितना मिश्रण है, 80 लीटर मिश्रण है, 10% 80 लीटर मिश्रण है, 10% दूध है, तो 90% कितना होगा, पानी होगा। ये तो कहना चाह रहा है, अब कह रहा है कि मिश्रण में पानी के प्रतिशत को 80% बनाना है। मिश्रण में पानी के प्रतिशत को कितना बनाना है, 80% बनाना है, यानी नए मिश्रण को, ये तो कहना चाह रहा है। तो 100 से 100 ख़त्म हो गया, 80 से 80 ख़त्म हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई, यानी 90 पानी है और कितना दूध डालें, तो डेफिनेटली जब 90 पानी होगा तो 10% दूध होगा आपका, ऑप्शन नंबर आपको सही हो जाएगा। कोई कुछ करना ही नहीं है दोस्तों, बहुत ही सिंपल वे सोचना है और अपने आंसर को अचीवमेंट करना है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्षों के बाद 7200 रुपये और 4 वर्षों के बाद 10800 रुपये हो जाती है, वह धनराशि बताइए। बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन के बारे में आपको। देखिए मान लिया पी, आप पी को मूलधन यहाँ मान सकते हैं, और पी मूलधन के बाद ये हुआ है 7200 रुपये, उसके बाद हुआ है 10800 रुपये। इसका मतलब क्या है, यानी ये 2 साल में, यानी 2 ईयर्स में ये हो गया और 2 साल में ये हो गया, तभी तो 4 साल में ये चीज़ आई होगी। अब ये इससे इतने गुना हुआ है, यानी इसका कितना गुना मैं मान सकता हूँ, इसको कितना गुना मानूँ, अगर गुना निकालना है इसमें आपको, तो 108, 10800 लिखने के बाद 7200 लिखो, 0 कट जाएंगे, तो 36 दिए 108 और 36 2 72, यानी 3/2 गुना हो रहा है। तो मैं अगर यहाँ इसे पी मुझे मूलधन निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पी मूलधन का 3/2 हो रहा है, तो हमारा 72 हो जाएगा 7200। अब इस 2 को इधर अगर ले देंगे, इसको इधर लगाएंगे, तो 2 3 6 और 3 4 12, सॉरी 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 गलत हो गया ना, देखिए दोबारा करते हैं। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्षों के बाद इतने रुपये हो जाती है, मान लिया पी मूलधन है, और इसका कितना गुना हो जाती है, 72, और इसका हो जाती है 10800। ये कितने वर्ष में हुआ, 2 वर्ष में हुआ, और ये भी आपका 2 वर्ष में हुआ। मैं थोड़ा स्पीड थोड़ा जल्दी करूँगा, क्योंकि टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम। तो ये इससे कितने गुना हो रहा है, अगर मैं इसको देखूँ, 10800/7200, अगर मैं इसे काटूं तो 3/2 आ जाएगा, तो मैं अगर कह सकता हूं पी मूलधन का 3/2 = 7200, तभी तो हुआ पाया है। जब ये इससे कटे, ये इससे कटेगा 24 × 48, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 48 आपका, बहुत ही सिंपल आंसर है और सिंपल आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, जो आपके लिए बहुत ही, देखिए बच्चों अगला सवाल है, 10% और 33.5% 33.3% और 25% के 3 क्रमागत कर्मिक छूट दी गई है, एक समतुल्य बट्टे बताना है। तो छूट का मतलब मैं भी बहुत ही आसान तरीके बताऊंगा आपको। 10% का मतलब है, यानी छूट दी गई है, 10 से 9 कर दिया गया है। अब बात करते हैं 33%, यानी 33% यानी 3 में से 1 की छूट दे दी गई है, 2 हो गया। 25% का मतलब कितना होता है, 4 होता है, और 4 में से छूट दे देंगे 1 के, ये हो जाएगा। अब मैं इसको अगर काटूँ, 3 से 3 ख़त्म, 2 2 4 यहाँ पे काटूँ, तो 10 2 यहाँ पे 20 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 9। कितनी छूट मिली है भाई, 11, कितने पर, 20 पर, इंटू 100, 20 × 100 और 11 × 55, आपका सही आंसर कितना आ गया, 55% आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका,
ये आपको पाई चार्ट दिया गया है, इस पाई चार्ट से आपको सवाल करना है। नीचे दिए गए पाई चार्ट में 200 अंकों की 5 अलग अलग परीक्षाओं में मनोज द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत विभाजन दिखाया गया है। देखिए, मनोज द्वारा गणित, एसटीसी और हिंदी में कितने अंक अर्जित किए गए हैं? देखिए, मैथ्स, मैथ्स में कितने करे हैं इसने? 15% करे हैं, ये आप खुद समझ पा रहे हैं। एसएसटी में इसने 22% करे हैं, इसने 22% लिए हैं। और अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसने कितने? 18% लिए हैं। टोटल कितने परसेंट ले लिए हैं? 5, 8, 5, 13, 14, 15, 2, 3, 4 और 1, 5। टोटल इसने कितने लिए हैं? 55% लिए हैं। तो पूछा है कितने, तो अब टोटल हमारे पास एग्ज़ाम के टोटल अंक कितने हैं? 800। 800 का 55% इसने ले लिए हैं बटे 100। बहुत ही सिंपल है, 8 × 40, 8 × 40 और 4 = 44। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 440 आपके सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, कर सकते हो आप, लगा सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन भी आपका पाई चार्ट से है, देखिए ये आप समझ ही गए हैं, लेकिन आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी में मनोज द्वारा कुल कितने प्रतिशत अंक अर्जित किए गए हैं? देखिए, विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी, विज्ञान में आपके कितने हैं, साइंस में आपके कितने हैं? 21% हैं। पूछा गया अंग्रेजी, इंग्लिश में आपके 24% हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप, और हिंदी में 18% हैं। तो टोटल कितने? 8, 4, 12 और 1, 13, 2, 4, 5 और 1, 6, यानी 63% अंक इसने अर्जित किए हैं। अब पूछा है प्रतिशत अंक अर्जित किए, कितने प्रतिशत अंक इसने अर्जित किए हैं? भाई हमारे हिसाब से सोचने प्रतिशत इतने अंक अर्जित किए हैं, अगर मैं इसे बताऊं 800 में से इसने 63% अंक प्राप्त करे हमारे हिसाब से, तो कितना आ गया? 8 × 24, 2, 8 × 48, 49, 50, 504 अंक प्राप्त करे हैं उसने, अगर इसको देखा जाए। अब 800 का कितना परसेंट है ये? 800 का कित, ठीक है बच्चों, अब 504 आपका आ गया। अब परसेंटेज आपको निकालनी है इसकी। अब बात बताता हूँ मैं आपको, अगर जिसने कुल अंक हैं ये, लेकिन बात कर रहे हैं विषयों की, तो 600 यानी 600 में तो अंक आएंगे इनके, 600 × 100, जिसने ये कर दिया उसका सवाल पूरा हो गया। 642 हो गया, सॉरी 6 × 8 = 48 और 6 × 4 = 24, यानी कि आपका सही आंसर आ जाएगा 84%। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 84% आंसर होगा। जिसने नीचे 800 कर दिया वो गलत है, क्योंकि 6 ही सब्जेक्ट होते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही है। देखिए, मनोज द्वारा हिंदी में अर्जित किए गए अंक विज्ञान में उसके द्वारा अर्जित अंकों से कितने प्रतिशत कम हैं? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, परसेंटेज से हम इसको डायरेक्टली काट सकते हैं। देखिए, मनोज द्वारा हिंदी में अर्जित किए गए, मनोज द्वारा हिंदी में कितने अंक अर्जित किए गए? 18%, और विज्ञान के द्वारा, विज्ञान में कितने? 21% दिए गए। कितना अधिक किया गया है? ये कितना है? 3% किसके सापेक्ष में? 21 के में बटे 100। 3 × 21, 7 से भाग देंगे तो 14 × 2/7 आंसर आपका आ जाएगा। तो 14 × 2/7 आंसर, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 14 × 2/7%, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन भी आपका इसी से रिलेटेड है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, मनोज द्वारा एसएसटी गणित और विज्ञान के एक में एक साथ अर्जित किए अंकों का, देखिए एसएसटी में कितना है? 22% है। गणित में कितना है आपका? गणित में आपका 15% है, जोड़ लीजिएगा डायरेक्ट। और किए गए अंक उसके द्वारा, अंग सॉरी गणित और विज्ञान, विज्ञान में कितने हैं? 21% है, ये इसने करा। इसमें से 5 × 2 = 7 और 1 = 8, 2 × 2 = 4, 5, 58% अंक इन्होंने प्राप्त किए। अब पूछ रहा है अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी में 24% और हिंदी में 18%, तो 24 और 18 जोड़ दीजिएगा आप, 8 × 4 = 12, 2 × 3 = 42। तो इसमें से 58 में से कितना अधिक आया? 42% घटा देंगे तो कितना आया भाई, यहाँ से कितना आया? 6, 16%। तो डायरेक्टली आप टोटल अंकों का 16% काट सकते हैं, 800 का 16% अगर काटेंगे आप, 0, 6, 8 × 48, 128 आपका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी आपका इसी रिलेटेड है। पूछ रहा है एसटीसी और हिंदी में मनोज द्वारा एक साथ अर्जित अंकों, देखिए एसटीसी में कितना? 22% इन्होंने लिया, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। हिंदी में मनोज ने हिंदी में 18% लिया, अब कितना? 8 × 2 = 10, 2 × 3 = 40% हो गया इनका।
पूछ रहा है आगे, इसके द्वारा एक साथ अर्जित अंक और उसके द्वारा एक साथ गणित और विज्ञान में अर्जित अंक। गणित में कितने अंक अर्जित, 15% करे थे उसने, और आपका विज्ञान में कितना था, 21%, 21% 6 36। अब ये 40, आपको बता दें 40 और 36 दो अंक हैं, डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हैं, या तो या आप डायरेक्ट इसका 800 भी निकाल सकते हैं, तो वही बात आपकी आने वाली है, 800 निकालो चाहे वो डायरेक्ट परसेंटेज में निकालो। तो मैं यहाँ से अगर काटूँ, 4 से 4 2 40 और 4 9 36, तो 10 और 9 के अनुपात में आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त बच्चों, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगले वाला क्वेश्चन आपका। 100 छात्रों का औसत भार 38 किलोग्राम है, पहले 49 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है तथा अंतिम 50 छात्रों का औसत भार 36 किलोग्राम है, तो 50वें छात्र का भार बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, अगला सवाल चलते हैं। देखिए 100 छात्रों का औसत भार 38 किलोग्राम है, अगर हम यहाँ पे करते हैं, पहले 49 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है। देखिए 49 छात्रों का औसत भार कितना है, 40 किलोग्राम है, मैं आपको सिंपल वे में समझा रहा हूँ। अंतिम 50 का औसत भार, अंतिम 50 का औसत भार कितना है, 36 किलोग्राम है। अब यहाँ पे एक्स वैल्यू है कोई बीच की, ये वाला औसत आपको बताना है, और टोटल का आप पहले ही पढ़ चुके हैं, 100 छात्रों का औसत भार कितना है, 38 है। अगर मैं इस 38 को देखता हूँ तो ये इससे कितना -2 है, और ये इससे क्या है, ये इससे कितना है, +2 है। तो एक कॉम्बिकेशन नहीं बन रहा है, कॉम्बिकेशन नहीं बन रहा है, तो यानी कि अगर मैं इसको देखूँ एक ओवरऑल 49, ये एक छात्र है, और एक छात्र का होना चाहिए 38 किलोग्राम, 38 किलोग्राम होना चाहिए। अब 38 किलोग्राम में अब मुझे ये बैलेंस कैसे करना है, तो बैलेंस ऐसे नहीं होगा, ये बैलेंस नहीं हो रहा, तो प्लस के दो यहाँ पे, ये जो +2 हैं, ये 2 + 2 हैं कर दूँ मैं, तो आपका आंसर 40 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं, कर सकते हैं आप। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत ही सिंपल है, बहुत ही, देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ज़्यादा एवरेजिंग जितने भी एग्ज़ाम बने हैं सभी में आया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को, और यहाँ से चलते हैं। देखिए ये वाली चीज़ आपको एक गुना में है सारा, इसको मैं आपको पूरा बता दूँ। इसका कहने का मतलब ये है, आप पूरी तरीके से समझ जाइएगा यहाँ पे कि ये कहना क्या चाह रहा है सवाल में। ऐसे सवाल जो है जनरली बन जाते हैं, और ज़्यादा छोटे हम इनको मानते हैं कि ज़्यादा ये सवाल जो है ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है, और हम ज़्यादा ईजी ले लेते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ये जो है हमारे गलत हो जाते हैं। ये कहना चाह रहा है, ये संख्या है आपके पास, तो आपको गुणनफल का इकाई का स्थान बताना है, इकाई के अंक पे कौन सा आपका जो है आएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ लास्ट वाली, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट बता रहा हूँ, अगर इतनी बड़ी आप लंबी चौड़ी गुना करोगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं गलती कर ही जाओगे, प्रॉब्लम आ जाओगे। तो आप जो है अंडरलाइन करेंगे ये, इनका लास्ट डिजिट यानी इकाई का अंक जो है वो अंडरलाइन करेंगे। जब मैं यहाँ से इसमें गुना करूँगा, 7 5 35, तो 35 में हमें यहाँ पे 5 मिलेगा, इस 5 को उठा लो आप, इस पूरे 35 को भी नहीं उठाना है आपको, 5 उठाओगे तो 5 किस में गुना, 5 8 40। अब 40 का भी लास्ट का अंक उठाओगे ये 0, तो 0 उठाओगे तो 0 की जिसमें भी गुना करोगे आप, तो सब कुछ 0 हो जाएगा, तो डेफिनेटली आपका 0 आपका आंसर आ गया, यानी ए आपका क्वेश्चन नंबर सही हो जाएगा, ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों आपके लिए बता दूँ मैं, आपकी सुविधा के लिए मैंने जो है एक टेलीग्राम चैनल शुरू किया है, और उसमें आप जुड़ जाइए। उसमें क्या है कि आपके लिए एक 10 क्वेश्चन आपके टेस्ट के तौर पे आएंगे, आपको उसमें क्लिक करना है, ये जानना है कि आप कितना जाना है आपने, कितना आपने क्या किया है, वो आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो और जितनी भी मेरी नोटिफिकेशन होती हैं सब उसी में आती हैं, और ज़्यादातर जो है आपके जो PDF होती है वो भी मैं उसी में शेयर करता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और PDF भी आप वहाँ से ले सकते हैं, डायरेक्ट आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप उसे कर सकते हैं। और रीजनिंग की लाइव क्लास मैंने पहले ही चला दी थी, और उसमें आपके टॉप 20 क्वेश्चन हैं, तो आप उनको भी जाके करिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है रीजनिंग के, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए अगला सवाल है, ए और बी एक व्यवसाय में 4:5 के अनुपात में निवेश करते हैं, यदि एक वर्ष के बाद उनके लाभ का अनुपात 6:5 है, तो वह समय ज्ञात करें जिसके लिए बी ने धनराशि बी का निवेश किया गया था, यदि ए पूरे वर्ष के लिए निवेश करता है। डेफिनेटली बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए ए और बी का जो व्यवसाय है, मैं आप ले लेता हूँ ए और बी का जो व्यवसाय है, देखिए इसे 4:5 और ये 5:5 में लगा हुआ है। डेफिनेटली अगर मैं इनके प्रॉफिट की बात करूँ, ए और बी हो गया, ये निवेश है आपका, इन्वेस्ट, ये इन्वेस्ट हो गया आपका, और प्रॉफिट की यदि मैं बात करूँ तो प्रॉफिट आपका हो गया 6:5।
अब बात कर लेते हैं समय की। देखिए समय का अनुपात क्या होता है, समय का अनुपात होता है कि आप जो है इनकम से प्रॉफिट को भाग दे दो, डिवाइड कर दो आप, तो आपका टाइम का अनुपात आ जाएगा। टाइम का अनुपात आपका आ गया 5:5। अगर मैं इसको काटता हूँ तो मुझे पता चल गया कि 3:2 इसका जो है आएगा। कैसे आप कैसे काटा आपने, देखिए हम इनको बराबर कर लेते हैं। यदि मैं इसमें 5 की गुना कर दूँ और इसमें 4 की गुना कर दूँ तो ऊपर कितना हो जाएगा, 5 की गुना हो जाएगी, 4 की गुना हो जाएगी, तो ऊपर हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 20। बटे में आप पता चल गया आपको 20-20 हो जाएगा। तो अब मैं इनका अनुपात निकाल सकता हूँ, तो मुझे पता चल गया कि 3:2 आपका अनुपात इसमें आ गया है। अब बात करते हैं, बोल रहा है कि ए पूरे वर्ष के लिए काम कितना है, तो यदि पूरे वर्ष का मतलब है यानी 12 महीने काम किया उसने, तो ये 12 महीने काम करेगा, तो 3 × 12 तो 4, ये 4 डिवाइड हो गया, तो ये कितने काम करेगा, 4 से गुना कर दो 8, तो डेफिनेटली आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि जो बी है वो 8 महीने तक कार्य करेगा। ऐसे सवाल को बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो आप दोस्तों। आगे चलते हैं अगले सवाल पे हम। अगला सवाल हमारा है यदि एक्स स्क्वायर, इसको मैं पूरा आपको लिख के दिखाऊंगा। देखिए ये कहना चाह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x+1 बराबर 0। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स माइनस 3x+1 ये लिख सकता हूँ बराबर 0। अब मैं इसको यदि सोल्व करूँगा यहाँ पे x+1/x, तो मुझे पता है ये इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी +3 आ जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखते ही आप सीधे सीधे कर दोगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 मीटर लंबाई और 2 सेंटीमीटर व्यास के एक तांबे के तार को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है, एक गोला बनाया जाता है, गोले की व्यास सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए 36 मीटर लंबाई और 2 मीटर व्यास के एक तांबे के तार को, एक तांबे का तार है जो पिघलाया गया है और पिघलाकर एक गोला बनाया गया है। देखिए आपको इस दोनों का सूत्र याद होना चाहिए तभी आप ये क्वेश्चन, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। अब 36 मीटर लंबाई और 2 सेंटीमीटर व्यास के एक तार, तांबे के तार को आप पिघला रहे हो। तांबे का तार मैं आपको बता दूं यहाँ पे, तांबे का तार क्या होगा, एक बेलन आकार होगा, ये तांबे का तार है मान लिया, तो ये क्या होगा, ये तार है आपका, तो ये बेलन आकार हो जाएगा। तो बेलन आकार को आप पिघला रहे हो तो बेलन का सूत्र क्या होता है, πr² h ये होता है। और दूसरा आपको बता दें बराबर उससे क्या बन रहा है, दोनों का आयतन बराबर होगा, तो 4/3 πr³। ये क्या है, ये आपका हो गया, यहाँ पे आपका हो गया बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और ये गोले का आयतन, गोले का आयतन, बहुत ही सिंपल है। अब मैं इसको करता हूँ तो मैं पाई से पाई ख़त्म कर दूंगा यहाँ पे, और आपको पता होगा यहाँ पे मैं यहाँ लिखता हूँ मैं पाई इंटू 1 × 1 मान लेते हैं, 1 आपके आ गई सेंटीमीटर त्रिज्या, व्यास है तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई, स्क्वायर 36 बराबर यहाँ मैं करता हूँ 4/3 πr और r³। ये आपकी 36 क्या है, लंबाई यानी ऊंचाई है उसकी, h है, तो अगर मैं इसको करता हूँ तो पाई से मैं यहाँ पे पाई ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ से करता हूँ तो 4×9 = 36 और 9×3 = 27 r³ यानी कि कितना आ गया 27, तो यानी कि r बराबर हमारा कितना आ गया 3 आ गया। अब ये 3 है क्या, अब आंसर सवाल में क्या पूछा है, गोले की व्यास बताइए, व्यास क्या होती है, त्रिज्या की दुगनी, ये त्रिज्या ही है, तो डेफिनेटली आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आपको बस ये सूत्र जो है माइंड में रखने हैं आपके फॉर्मूले, जब तक फॉर्मूले माइंड में नहीं होगे ऐसे सवालों को आप कर नहीं सकते। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए पंकज अपनी आय का 80% व्यय कर देता है, 80% वो खर्च कर देता है, 80% का मतलब क्या है मैं आपको पूरा बताऊंगा, 80/100 मैं अगर इसको काटूंगा 2 × 8 = 2 × 5 = 10 यानी कि यदि पाँच रुपये उसकी इनकम है, इनकम 5 रुपये है, तो 4 रुपये क्या है खर्च, यानी कि व्यय है उसका 4 रुपये, और सेविंग कितनी कर रहा है, वो सेविंग 1 रुपया कर रहा है। कहना चाह रहा है कि 25% की वृद्धि हो जाती है, 25 की वृद्धि होती है तो आपका 25 हो गया, 10% की वृद्धि होती है उसकी व्यय में तो वो 40 हो गया, तो बस सिंपल है, इसको घटा दो आपका आंसर आ जाएगा, तो कितना आ गया आपका आंसर आ गया 85 इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कुछ करना ही नहीं है, बस सीधे सीधे आपको सवाल काट देना है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।